प्यारे बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि आकृति 6.38 में ये आकृति दी हुई है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई। त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एक तो है एडी और एक है सीई, तो ये हमारे पास शीर्ष लंब है। परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु पी पे ये एक दूसरे को काटते हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज सीडीपी के। दूसरा पार्ट, त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई के। तीसरा पार्ट, त्रिभुज एईपी समरूप है त्रिभुज एडीबी के। और चौथा पार्ट, त्रिभुज पीडीसी समरूप है त्रिभुज बीईसी के। तो ये चार पार्ट है इसके, तो आपको घबराना नहीं है ये देख के कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप चाहे तो इसको ओरल कर सकते हैं। आप देखो कि अगर हम पार्ट फर्स्ट की बात करें, पार्ट फर्स्ट में त्रिभुज कौन सी है, त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में, फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास दिया गया क्या है, एक त्रिभुज दी गई है एबीसी जिसमें एडी लंब है बीसी पर, एडी जो लंब है ये बीसी पर है और सीई जो लंब है वो एबी पर है। अब देखो हमारा ये कोण 90 डिग्री का, ये भी इधर भी कोण ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है। अब आप देखिए त्रिभुज एईपी, एईपी यानी कि इस त्रिभुज की बात हो रही है, ये वाले त्रिभुज, और त्रिभुज सीडीपी इस त्रिभुज की बात हो रही है। देखो कितना इजी है। अब देखो हमारा ये जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, ये भी तो 90 डिग्री का होगा, ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90, इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का और इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का, तो कैसे हो गए, बराबर हो गए। हम इनको नाम दे देते हैं, हम इनको क्या करते हैं नाम दे देते हैं, इसको हम नाम देते हैं कोण एक, इसको हम नाम देते हैं कोण दो, इसको नाम देते हैं कोण तीन और इसको नाम देते हैं कोण चार, ठीक है। तो इस त्रिभुज में हमारी जो एईपी त्रिभुज है इसमें कोण एक, कोण एक, और जो त्रिभुज हमारी ये है सीडीपी इसमें सीडीपी इसमें कोण तीन, इसमें कोण तीन, दोनों बराबर है, कैसे है, समकोण है। दूसरी बात, इस त्रिभुज में एईपी त्रिभुज में ये वाला एंगल, ये वाला कोण, और दूसरे त्रिभुज सीडीपी, सीडीपी में ये वाला कोण, देखो ये दो रेखाएं रेखाखंड आपस में प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर हो गए। इसको नाम दे देते हैं पांच और इसको नाम दे देते हैं छह, तो कोण पांच बराबर है कोण छह, शीर्षाभिमुख कोण हो गई हमारे पास। अब दो कोण बराबर हो गए, काम हो गया हमारे पास, तो हम लिख देंगे कि ए ए या फिर कोण कोण समरूपता कसौटी के अनुसार, के अनुसार हमारे पास क्या है, त्रिभुज ए ई पी ये समरूप हो जाएगी त्रिभुज सी डी पी के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज, त्रिभुज है हमारे पास सी बी ई में, ए बी डी और सी बी ई में, इसमें भी इसी तरह करेंगे। देखो ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी ये वाली त्रिभुज, और दूसरी है सी बी ई, सी बी सी बी ई। अब देखो ए बी डी, ए बी डी और सी बी ई, सी बी ई, ये बी कोण तो दोनों में आ गया, तो कोण बी बराबर है कोण बी, तो कैसा कोण हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ कोण,
सांझा कोण, एक तो हो गया। अब दोबारा से आ जाओ, ए बी डी, ए बी डी इस त्रिभुज में हमारे पास ये जो कोण चार है 90 डिग्री का है, और दूसरी त्रिभुज देखो सी बी ई, सी बी ई इसमें, इसमें हमारा ये कोण दो 90 डिग्री का है, बराबर है 90 डिग्री के दोनों, लिखना चाहो तो लिख सकते हो या फिर इसका रीजन ले दो कि कैसे आएंगे समकोण, दोनों में से 90 डिग्री के बराबर लिख दो या समकोण लिख दो, कोई से भी एक बार यहां पे भी आप ऐसे कर सकते हो, समकोण लिख दो या फिर 90 डिग्री लिख दो। फिर वही कौन कौन सी कसौटी के अनुसार, कौन कौन कसौटी के अनुसार, फिर वही बात होगी हमारे पास कि त्रिभुज ए बी डी समरूप होगी त्रिभुज सी बी ई के। अब तीसरे पे आ जाओ, बिल्कुल इजी, तीसरा हमारे पास त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज ए बी सॉरी ए डी बी में, इस पे आ जाओगे हमारे पास ए ई पी, ए ई पी ये वाली ए ई पी इस त्रिभुज की बात हो रही है, ये जो त्रिभुज है ए ई पी, और दूसरी है ए बी ए डी बी, ए डी बी एक इस त्रिभुज की बात हो रही है, ये दो त्रिभुज है, एक तो कौन सी है ए ई पी, ये त्रिभुज देखो ये वाली ये, और दूसरी कौन सी है ए डी बी, ए डी और ये बी वापस। तो आप इस कोण को देखो, ये दोनों में आया है, ए ई पी में भी है ये वाला कोण और ए डी बी में भी है, इसको अगर हम कोण सात नाम दे दें तो कोण सात बराबर है कोण सात कैसा, उभयनिष्ठ कोण। एक बात होगी, अब देखो छोटी त्रिभुज में देखो कौन सी है ए ई पी, ए ई पी में कोण एक 90 डिग्री का है, और बड़ी त्रिभुज देखो ए डी बी, ए डी बी कोण चार 90 डिग्री का है, तो कोण एक बराबर है कोण चार, क्या लिखेंगे समकोण लिख दो या फिर 90 डिग्री लिख दो। तो फिर वही ये लिख देंगे कौन कौन कसौटी के अनुसार, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज, ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। तो ये हमारा तीसरा पार्ट हो गया। इसी तरह से चौथे पार्ट में देखते हैं, यहाँ पे चौथा पार्ट, यहाँ पे हम लिखते हैं कि त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में, दो त्रिभुजें जो दी हुई है पी डी सी, पी डी सी ये छोटी त्रिभुज ये वाली, और बी ई सी, बी ई सी ये, दोबारा से देखते हैं देखो, एक है हमारे पास पी डी सी, पी डी सी ये पी डी सी, और एक है बी ई सी, बी ई और ये सी ये ऐसे। अब आप देखो एक तो त्रिभुज ये होगी और एक ये पूरी होगी, तो ये वाला कोण तो दोनों में सेम है, तो इसको अगर मैं कोण आठ नाम दे दूं तो कोण आठ बराबर है कोण आठ, कैसा कोण हुआ उभयनिष्ठ कोण, एक कोण तो एक साइड का हो गया बराबर। दूसरी बात, अब पी डी सी हमारे पास पी डी सी में ये वाला कोण कितना है कोण तीन, तो कोण तीन 90 डिग्री का है, और दूसरी कौन सी है बी ई सी, बी ई सी ये वाला कोण 90 डिग्री का है, बराबर है कोण दो के, कैसे है दोनों समकोण है। फिर हम लिख देंगे एंगल, एंगल ए ए कसौटी के अनुसार पूरा लिख देंगे आप ऐसे उसमें लिखा हुआ है, हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी के। तो ये हमारा
फोर्थ पार्ट। तो प्यारे बच्चों ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। अगर आप इसके स्टेटमेंट को देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, काफी बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को, चारों के चारों पार्ट को ओरल सोल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको देखो हर केस में आपको एक तो समकोण का ही सेट नजर आ रहा है, एक में ये शीर्षभिमुख है और यहाँ पे बाकी में उभयनिष्ठ निकल के आ रहे हैं, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपको बस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बड़ी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।